नमस्कार दोस्तों, यदि आप जियो फ़ोन के लिए इंटरेस्टेड है तो आपके लिए खुशखबरी है कि जियो के जो फ़ोन्स है उसके लिए आप इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। जियो की वेबसाइट पे जियो जानना चाहता है कि कितने लोग इंटरेस्टेड है इस फ़ोन के बारे में। इस फ़ोन की जो लॉन्चिंग है कब से होगी मैं आपको बताऊँगा, और ये फ़ोन जो है आज से यानी 15 अगस्त 2017 से कुछ लोगों के लिए, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मिलना चालू हो गया है, यानी कि टेस्टिंग फेज़ में है। सबको नहीं मिलेगा, कुछ रिलायंस के कस्टमर या रिलायंस के कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो बीटा टेस्टिंग जिसको कहते हैं, यानी लॉन्च होने के पहले का जो फ़ोन होता है उसे टेस्टिंग की जाएगी इसके सारे मायनों पर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसके अंदर टीवी से भी कनेक्शन का जो मिररिंग जिसको कहते हैं वो भी है, तो वो सारी चीज़ों पर टेस्टिंग होगी। और 24 तारीख से आपको जो है फ़ोन मार्केट में इसको आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो फ़ोन जो है, फ़ोन के बारे में बता दें, फ्री का फ़ोन, इंडिया बनेगा डिजिटल, ऐसा करके लॉन्च किया था फ़ोन को। और ये फ़ोन जो है 0 रुपीज़ में यानी 1500 रुपये आपसे लिया जाएगा। लेकिन मैं फ़ोन की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी आपको बता दूँ, ये 24 तारीख को आप नज़दीकी रिटेल स्टोर्स पर आप जियो के जाएंगे या फिर अपने मोबाइल से या वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो फ़ोन का इस समय रजिस्ट्रेशन तो 24 तारीख से होगा, लेकिन उसकी जो इंटरेस्ट दिखाने, यानी आपको इच्छुक है फ़ोन के बारे में, वो इंटरेस्ट कैसे दिखा सकते हो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो फ़ोन के बारे में थोड़ा मैं बता दूँ, फ़ोन में जो है व्हाट्सएप नहीं चलेगा फिलहाल, जहाँ तक अभी तक खबर आई है। इसमें स्पेक्ट्रम और क्वालकॉम ने दावा किया कि उनके चिप्स से, तो आने के बाद ही पता चलेगा ऑफिशियली क्या है। इसके थ्रू बहुत सारे काम आप कर सकते हो जो आप एक नॉर्मल से स्मार्टफोन पे कर सकते हो, इसमें बहुत सारे काम इस तरह भी किया जा सकता है। 24 तारीख को कंपनी ने ऑफिशियली बोला है कि हम आपको रजिस्ट्रेशन करने देंगे, और जो 24 तारीख को बुक करेगा फ़ोन को उसकी मिलने की समय सीमा जो है वो रखी गई है 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच में आपको फ़ोन मिल जाएगा। फ़ोन बुक करने के लिए सबसे इजी प्रोसेस है, आपको एक आधार कार्ड की कॉपी ले जानी है, और फ़ोन जो है ड्यूअल सिम नहीं होगा, सिंगल सिम होगा, वो भी जियो के द्वारा ही। इसमें कोई आप अलग से सिम नहीं डाल सकते, उसको याद रखिएगा जियो का सिम बुक करने के, जियो के फ़ोन बुक करने के पहले। तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको बता दूँ, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। आप jio.com पर आएंगे तो आपको दिखेगा पहले ही पेज पे इंट्रोड्यूसिंग इंडिया का स्मार्टफोन जियो फ़ोन, और यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगी कीप मी पोस्टेड, आपको सिंपली बटन पे क्लिक करना है। बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको रजिस्टर इंटरेस्ट करके आएगा। ये कोई प्री बुकिंग का पेज नहीं है, आपको पहले बता दूँ, यहाँ से कोई बुकिंग नहीं होगी। सिर्फ इससे जियो को पता चलेगा कि कितने लोग इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से वो सप्लाई करेंगे इंडिया में उनके अपने अपने स्टोर्स के हिसाब से, क्योंकि इसमें आपका पिन कोड लिया जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस इंटरेस्ट को लॉक करते ही आपको मैसेज या मोबाइल पे कुछ ना कुछ आपको आएगा जियो की तरफ से, तो ये एक अच्छी चीज़ है। हो सकता है जियो इनको प्रायोरिटी दे, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप इसको बुक करना ना भूलिए। रजिस्टर इंटरेस्ट मैं आपको बता दूँ, यदि आप सिंगल पर्सन हैं तो वो कर सकते हैं, या आप बिजनेस वाले हैं तो वो कर सकते हैं, दोनों के पेज में दिखा दूँ। इंडिविजुअल के लिए नाम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पिन कोड मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, वीडियो से बने रहिए। बिजनेस के बारे में बता दूँ, बिजनेस के लिए यदि आपकी कोई कंपनी है या बिजनेस है तो आप इसको भी बुक कर सकते हैं, जियो फ़ोन एज वेल एज जियो वाईफाई का जो डिवाइस आता है जियो फाई। आपको इसमें एक्स्ट्रा GST नंबर लगेगा, कॉन्टैक्ट पर्सन नंबर, कंपनी नाम, पैन वगैरह भी देना पड़ सकता, तो ये सारी चीज़ें हैं। बस ये डिटेल्स फिलअप करके आप सबमिट कर दीजिए, यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन बटन। मैं आपको इंडिविजुअल का फॉर्म भर के दिखाता हूँ कुछ ही देर में। और जो 24 तारीख से फॉर्म आएगा उसके लिए मैं बता दूँ कि 24 तारीख से जो फॉर्म आने वाला है उसमें आपको जो है एक ही जियो के डिवाइस आप बुक कर सकते हैं, तो ये याद रखिएगा, एक जियो का डिवाइस, एक जियो सिम, एक जियो फ़ोन बुक करेंगे आप सिर्फ एक आधार नंबर पे। यदि आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको जो है और घर के लोगों का आधार कार्ड लगेगा, तो उसके बारे में याद रखिए। और कोई भी दुकान पर जाएंगे तो आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा, तो उसके लिए याद रखिएगा टोकन नंबर। तो टोकन नंबर के हिसाब से बुकिंग होने वाली है। फ़ोन नंबर मैं एक टेम्प्रेरी ऐसी कुछ दे देता हूँ, पिन कोड आप दे सकते हैं कुछ भी, और उसके बाद में आप जब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपको देखिए यहाँ पे एक टिक आ जाएगा, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, इस तरह से फ़ोन आएगा, शेयर योर डिटेल्स विद अस एंड वी विल गेट बैक टू यू। तो ये कंपनी आपके पास, आपको किसी ना किसी माध्यम से जो आपने प्रोवाइड किए हैं, कॉल कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, तो ये इंटरेस्ट के लिए है। तो फ़ोन लेने के पहले आपको बता दूँ फ़ोन के फीचर्स के बारे में ज़रूर देख लीजिएगा। आशा करते दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। भैजी टेक्निकल देखने के धन्यवाद, और कोई भी रिलेटेड क्वेरीज आप तो कमेंट के बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।